हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं दो क्लोज होने वाले एसएमई आईपीओ के बारे में। एक तो है वीवीआईपी इंफ्राटेक और दूसरा है वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट। आज इनका है लास्ट डेट, यानी कि 25 को इसका लास्ट डेट। तो इस वीडियो में हम गाइज हम जानेंगे इसका फाइनल डिसीजन, क्या हमें इन आईपीओ में लगाना चाहिए, नहीं किसी एक में लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। साथ में लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल्स और किस कैटेगरी में कितना पैसा डाला गया है ये भी आपके साथ साझा करूंगा। उसके साथ गाइज किस में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है ये भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। गाइस एक चीज मैं बता दूं आपको कि यहां पे शॉर्ट में चीजें बताने वाला हूं। अगर जो आपको डिटेल में इनका बिजनेस फाइनेंशियल्स और कंपैरिजन देखना है तो हमने एक वीडियो एक दिन पहले ही डाल दी थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डिटेल कंपैरिजन का, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे वीवीआईपी इंफ्राटेक के बारे में। एक चीज का गाइस ध्यान देना है कि बैकग्राउंड में टक टक की अगर जो नॉइस आ रही हो तो प्लीज को इग्नोर करना। अभी मैं होटल में हूं, आउटर स्टेशन हूं, तो इस वजह से ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता और रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट थे कि भाई कंफ्यूजन है इस आईपीओ में। ठीक है, तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना। तो वीवीआईपी इंफ्राटेक की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। आईपीओ 23 को ओपन हुआ था, 25 को क्लोज होने वाला है, 26 को इसकी अलॉटमेंट डेट है और 30 जुलाई को इसकी लिस्टिंग डेट है। इशू का प्राइस बंड है 93 रुपीज का और फेस वैल्यू है स्टैंडर्ड यानी 10 की। ठीक है, 61.21 करोड़ का आईपीओ का साइज है। बात रह गई इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल की, तो वीवीआईपी इंफ्राटेक का जो सब्सक्रिप्शन है 12 बजे तक हमने न्यूज चैनल पे डाल दिया था, इसके बाद का आपको इस न्यूज चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूज चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर पे इसका लिंक मिल जाने वाला है। यहां पे आपको इसके बाद का सब्सक्रिप्शन डेटा, मार्केट इंपॉर्टेंट न्यूज, रिफाइन न्यूज और बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन डेटा है देख सकते हो 57.84 टाइम होता हुआ दिखा है, जिसके हिसाब से 2351.58 करोड़ रुपीज डाला गया है। रिटेलर्स की तरफ से 77.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई की तरफ से 82.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबी की तरफ से पैसा आना बाकी है 4.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर जो स्पेशली वीवीआईपी इंफ्रा की बात करें कि क्या ये सेफ है, तो गाइस मुझे लगता है कि एटलीस्ट 150-160 टाइम सब्सक्राइब हो जाए तो सेफ रहने वाला, नहीं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी लिस्टिंग गेन विद रिस्क रह सकता है। मार्केट अगर जो गिरता दिखा तो भाई फुस भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे सब्सक्रिप्शन डेटा का वेट मुझे लगता है करना चाहिए। ठीक है, बात रही वीवीआईपी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें सेम जो कल देखने को मिल रही थी 84-85 के आसपास की डिमांड, जिसके हिसाब से 91-92% अगेन अप्रोक्सीमेटली होता है। अब अगले आईपीओ के बारे में आपको मैं बताने के बाद दोनों का कंपैरिजन भी शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले गाइस बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे अगर जो अब तक आप हमारे नहीं जुड़े हो, मेन चैनल पे एक तो न्यूज चैनल बताया जो 2 नंबर पे लिंक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे है। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इवन मैं अभी नैनीताल में हूं, ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने कॉल दिया था और आराम से 130-140 पॉइंट अगेन मिल चुका है। ठीक है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, यहां देख सकते हो एक दिन पहले का 130 पॉइंट अगेन, यहां देख सकते हो एक कॉल में 110 पॉइंट अगेन, उसके साथ देख सकते हो यहां पे प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, हर एक तरीके की, उसके साथ ही देख सकते हो यहां पे कई सारे स्विंग लेवल, कई सारे शॉर्ट टर्म लेवल्स मिल जाते हैं इस चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना, आप खुद जाके चेक करो, काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में। गाइस डेट की बात करें तो सेम है पिछले आईपीओ की तरह ही, 26 जुलाई की अलॉटमेंट डेट और 30 को इसकी लिस्टिंग डेट है। इशू का प्राइस 42 रुपीज का है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे जो साइज है वो 18.52 करोड़ का है। बात करें इसके सब्सक्रिप्शन डेटा की, तो देख सकते हो 279.79 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। नंबर्स यहां पे ज्यादा आपको लग रहे होंगे कंपैरिजन में पिछले आईपीओ से, लेकिन यहां पे गाइस साइज छोटा है इस वजह से नंबर ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन पिछले आईपीओ के कंपैरिजन में पैसा यहां ज्यादा आया है, 3433.68 करोड़ रुपीज। ठीक है, रिटेलर्स ने 450.53 टाइम कर दिया है और एचएनआई ने 241.71 टाइम कर दिया है, क्योंकि इसके तरफ से पैसा आना बाकी है, 9.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, तो अब अगर जो दोनों में कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो वीएल की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है, बिकॉज यहां पे आईपीओ का साइज छोटा है तो गेन मिलने के चांसेस भी हायर साइड होंगे। ठीक है, और अगर जो अलॉटमेंट के हिसाब से देखें तो गाइस वीवीआईपी नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। अगर जो अलॉटमेंट को इग्नोर कर दे तो गेन के हिसाब से वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट ज्यादा ठीक रहने वाला है, और वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी कम से कम यहां पे जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो 350-400 तो होना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 3,000-4,000 करोड़ रुपए से बात नहीं बनेगी, मार्केट करने सेंटीमेंट्स में एटलीस्ट 6,000-7,000 करोड़ रुपए डलने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी इतना सब्सक्रिप्शन हो तो बेहतर है। बाकी दोनों आईपीओ ठीक है, अगर जो सेफ्टी पॉइंट मिलता है तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप कोई एक चूज कर सकते हो। नंबर 1 पे वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट रहने वाला है और नंबर 2 पे आप वीवीआईपी को रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर करना, वीडियो जरूरी थी इसलिए मैंने आपके लिए घूमने से पहले सबसे पहले रिकॉर्ड किया है। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं होटल पहुंचा और सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग कर दी है, तो जरूर आप इसका सपोर्ट दिखाना चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। अब गाइस बचा वीएल का ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो करंट में गाइस इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हमें 57-58 रुपीज के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 138% अगेन होता है। ठीक है, और इसका जीएमपी सुबह निकल रहा था अराउंड 150
के आसपास का तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, ठीक है, 155-158% तक जीएमपी गया था, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है जीएमपी, और जीएमपी के भरोसे आईपीओ लगाना कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है, तो जीएमपी को इग्नोर ही करना, एक लिस्ट में एनालिसिस के रख सकते हो बट इसके भरोसे सिर्फ नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, सारा कुछ आपको बता दिया है, और सपोर्ट दिखाना अब आपका काम है, और अब आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, करते हो गाइस, थैंक यू वाचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।